पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज, आज ही सुनाए जाने का इम्कान। एतराज करनंदा के वकील ने मौकिफ इख्तियार किया कि पिशावर में चंद लोगों ने कबूल कहा और चेयरमैन बन गया, इसका मतलब है बानी चेयरमैन जो कहता है वही होता है। जस्टिस सजाद अनवर ने रिमार्क दिए कि यहाँ तो हर पार्टी एक खानदान चला रहा है, इस समेत चंद पार्टियां तो ऐसी हैं जो वर्कर को आगे आने ही नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि आर्टिकल 215 में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, इसलिए एक्शन लिया गया। उधर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। खसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी गई। सलमान सफदर ने मौकिफ इख्तियार किया कि एमरजेंसी के नफाज में परवेज मुशर्रफ तन्हा नहीं थे, वजीर आजम, वजीर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलव्विस थे। परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर खसूसी अदालत ने सजा दी। चीफ जस्टिस ने कहा वो रसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। परवेज मुशर्रफ के साथ मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे खुले हैं। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर की इंतखाबी सियासत से आउट, एनए 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। एनए निवासी मियांवाली से महफूज शुदा फैसला आज सुनाया जाएगा। एनए 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ने के अहल करार, नवाज शरीफ के हलका एनए 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ फैसला आज आएगा। एनए 132 से शहबाज शरीफ, एनए 119 से मरियम नवाज से मुतल्लिक फैसला आज। परवेज इलाही और मोनस इलाही की अपीलों पर महफूज फैसला आएगा। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस, मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी, बुशरा बीबी अदालत के बायस पेश ना हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त, समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा, दरख्वास्त गुजार के वकील रिजवान अब्बासी की समाअत मुलतवी करने की मुखालफत, मौके पर इख्तियार किया कि केस में फर्द जुर्म आयद होनी है, कल की तारीख रख ले। सलमान अकरम बज्जार ने कहा कि कल हाईकोर्ट में भी केसेज हैं, अदालत पेश होना मुश्किल होगा। अदालत ने दलाल के बाद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ। गुजरावाला का प्लॉट जज बनने से पहले का है, असासों में जाहिर है जाहिद रफीक नामी शख्स को कोई रिलीफ दिया, ना ही उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का तफसीली जवाब जुडिशियल काउंसिल में जमा, इल्जामात की तरदीद कर दी। मौकिफ इख्तियार किया कि काउंसिल में एक शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी है। बार काउंसिल की शिकायत सियासी और पीडीएम हुकूमत के इमाम पर दायर की गई। 21 फरवरी को उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ से बार की मुलाकात हुई, उसी रोज बार ने शिकायत दायर करने की करारदाद मंजूर की। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज कर दिया, शिकायत खारिज और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा कर दी। हेल्थ सिस्टम को वक्त के साथ मजबूत बनाना होगा, सेहत से मुतल्लिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटना होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का समिट से खिताब, कहा पहले आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज है। दुनिया भर में सेहत के मसाइल का हल जरूरी है, वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इकदामात वक्त की जरूरत है। इलाज हर शहरी का बुनियादी हक है, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले ममालिक में है, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अजना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, तामीराती काम पर पेशरफ का जायजा, काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से पीआईसी पर बोझ कम होगा। लाहौर में दिल के मरीजों के लिए एक नए अस्पताल की जरूरत बड़े अरसे से थी। 54 कनाल पर मुहित अस्पताल 256 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा।